सहारनपुर में दिन निकलते ही गौ तस्करों व पुलिस के बीच मुठभेड़ के दौरान एक गौ तस्कर नदीम के पैर में गोली लगी। दो को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। नदीम पर गौकशी के 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। बता दें, मुठभेड़ थाना कुतुबशेर क्षेत्र के गांव उनाली के जंगलों में हुई। सूचना मिली थी कि नकुट क्षेत्र से कुछ गोकस आज अर्ली मॉर्निंग में गोकसी करके ये थाना कुतुब शहर के अंतर्गत बबलू के दुकान पर लाके मीट बेचने वाले हैं गाय का। तो इस सूचना पर हम लोग पहले से ही तैयार थे, और जब बबलू के दुकान पर उधर हम लोग हमारी फोर्स खड़ी हुई थी तो उधर से नकुट क्षेत्र से आइए दुकान के क्षेत्र के आसपास घूम रहे थे हम लोग, और वो लोग पुलिस को देखते ही अपराधी भाग गए और हम लोग पीछा करते हुए चौकी मानक मऊ से आ गए। उनाली के जंगल में इनको घेर लिए और मुठभेड़ में एक नदीम के पैर में गोली लगी, बाकी दो अन्य भाग गए। सर, क्या इनका कोई आपराधिक इतिहास भी है पहले? अभी इसके विषय में जांच की जाएगी, अन्य थानों पर इसकी सूचना दी जाएगी, पता किया जाएगा कि कितने इन पर अन्य आपराधिक मुकदमे हैं। ठीक है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।